दोस्तों आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महिंद्रा ईवो 585 DI MT स्लिप PTO 4-व्हील ड्राइव। जैसे इसका जो है हाइड्रोलिक नया गाड़ी है, हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम आया है, आपको दिखाता हूँ क्या है। गाड़ी स्टार्ट करो। जैसे तो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया हूँ, ऐसे इस तरीके से आपको सवाल लगा लेना है और थोड़ा हल्का उठाओ नांगल को, खड़ा हो जाओ। अभी देखना इसका जो है नांगल झटका लेना चालू कर देगा। रुको रुको रुको, ए देखो तो इस तरीके से जो झटके लेता है, खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा हो जाओ। जितना वजन जो इसके पीछे जो पलाव देने से बहुत झटका लेता है। इस तरीके का प्रॉब्लम नया गाड़ी में आ चुका है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, ज़्यादा आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत इसका एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है। छोटा प्रॉब्लम के लिए इतना सारा जो है परेशानी इसमें गाड़ी में उठाना पड़ रहा है। अब देख सकते हो 4-व्हील गाड़ी है, 4-व्हील एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। 200 घंटा चला है करीबन गाड़ी, तो 200 घंटा में प्रॉब्लम आ चुका है। अभी इसका गाड़ी का जो टापा खोलेंगे, टापा खोल के जो मेन जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आपको दिखाऊंगा किस वजह से इसका जो प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में। पहले इसका टापा जो है निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको बारीकी से जो प्रॉब्लम है इसको प्रॉब्लम समझाऊंगा किस बेस का जो है प्रॉब्लम आया है गाड़ी में। चलो बंद करो, बंद करो, टापा को खोलो। देख सकते हो ये 4-व्हील का जो टापा पूरा सेम है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम है, अंदर का भी सिस्टम देख सकते हो पूरा एक ही है अंदर का। चलो निकालो डिस्ट्रीब्यूटर को, चलो रखो नीचे। देख सकते हो इसका डिस्ट्रीब्यूटर निकाल लिया हूँ। इसका जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटर में ही है, खाली इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है साफ करके आपको जो है फिटिंग करना है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने इसको निकाल लिया हूँ। निकालने के बाद आगे से एक एलिंक है इस तरीके का, इधर रहता है देख सकते हैं पर एलिंक को निकाल लेना है। उसके बाद इस तरीके का स्क्रू निकालना है, इसमें फायदा भी है। और आगे से जो है इसका सेफ्टी वाल, देखो तो सेफ्टी वाल इस तरीके का, सेफ्टी वाले इस तरीके का सेफ्टी वाल। इसका सेफ्टी वाल अलग है। और एक सेफ्टी वाल मस्त प्लस इस तरीके का, अंदर में छर रहा इस तरीके का। तो इस तरीके से आपको जो है सामान को निकाल लेना है। सारा सामान है, अंदर में भी एक ओरिंग है, देख सकते हो ये जो कचड़ा है, अब देख सकते हो कचड़ा, कचड़ा के वजह से जो है हाइड्रोलिक जो झटका ले रहा है। इसका कचड़ा को इस तरीके से आपको निकाल देना है। कचरे के वजह से जो है हाइड्रोलिक में पूरा परेशानी कचरे के वजह से है। खाली इसको साफ करके सेटिंग कर देंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है सही हो जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं अच्छे से, देख सकते हो पूरा अच्छे से सफाई कर लिया हूँ। इसका जो ओरिंग है वो भी डालने का जरूरत नहीं है, आपको खाली इसको साफ करके सेटिंग करना है। इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो एक छर्रा इस तरीके से करना, छर्रा को
तरीके का वॉल स्प्रिंग पिस्टन। अभी एक ओरिंग है, दो ओरिंग पिस्टन इस तरीके से सेटिंग करना है। इसका ओरिंग और नोवो का ओरिंग सेम है, इसका लिंक रोलर वो भी सेम है, पूरा नोवो का ही सिस्टम है इसमें। इस तरीके से आपको जो है फिटिंग करना है। इसका जो है सेफ्टी वाल का सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया है इस तरीके से, तो सेफ्टी वाल थोड़ा चेंज है। एक वॉशर इस तरीके का, तो सेफ्टी वाल का सेटिंग कर लिया हूँ। इस तरफ आपको पकड़ो थोड़ा, इधर भी एक ओरिंग है, इसको इसका ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं होता है, वो वाला ही थोड़ा दिक्कत देता है इसका, थोड़ा फंसने से डिस्टर्ब करता है गाड़ी। छर्रा इस तरीके का, तो इस तरीके का वॉल यहाँ पे आपको सेटिंग कर देना है। देख सकते हो अभी जो है डिस्ट्रीब्यूटर टापर के साथ सेटिंग करके इस तरीके का ओरिंग है, ओरिंग को जो है यहाँ पर सेटिंग करके टापा को पूरा कंप्लीट करने के बाद, गाड़ी में सेटिंग करने के बाद जो है आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो है इसका हाइड्रोलिक सही हो चुका है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का भी जो हाइड्रोलिक डिस्टर्ब करने से आसानी के साथ जो है घर में बैठ के रिपेयर कर सकते हो। एकदम ईजी है इसका डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग करना, खाली साफ करना ही है, एक भी पैसा आपको खर्चा करना नहीं है, खाली साफ करके ही इसको जो है फिटिंग कर देना है, सबका जो डिस्ट्रीब्यूटर है सही हो जाएगा। मिस्त्री के पास भी लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, और वीडियो देख के आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर कर सकते हो, कुछ नहीं है इसके अंदर। एकदम देखो ये एकदम इजी है पूरा, एक ये रोलर है, ज़्यादा दिक्कत करने से जो है हाइड्रोलिक कम चढ़ने से रोलर जैसे इसका जो रोलर है ये ख़राब हो जाता है, इसका बोल्ट एकदम ईजी है इसका हाइड्रोलिक बनाना। और एक चेन देख सकते हो, चेन बहुत ईजी है। फाइनली पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करके टापा को सेटिंग कर दिया हूँ गाड़ी के साथ, अभी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो इसका हाइड्रोलिक छोटा प्रॉब्लम के लिए दिक्कत दे रहा था, अभी जो प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व हो गया है। चलो स्टार्ट करो, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अभी जो इसका कल्टीवेटर उसको उठाएंगे, देखो तो जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इस तरीके से आप अपना गाड़ी का जो है डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर कर सकते हो, छोटा प्रॉब्लम के लिए कितना बड़ा दिक्कत हो रहा है गाड़ी में। और थोड़ा वजन दे के देखते हैं गाड़ी में। ए पीछे आ जा, पीछे आ जा, देख सकते हो कितना वजन दिया हूँ, आदमी खड़ा किया हूँ तो भी जो है हाइड्रोलिक में इसका जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसका जो है पीछे से डिस्टर्ब करने से आगे में भी इसका जो जेग है प्लेट का ये भी दिक्कत देता है, इसको उठाओगे तो ये वाला काम करेगा, पीछे वाला काम नहीं करेगा। अभी दोनों जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, छोटा कचरा फंसने से इतना बड़ा जो गाड़ी का नया गाड़ी का नुकसान हुआ है। क्या कंपनी से जब गाड़ी बन के आया है छोटा मोटा कचरा इधर उधर तो रहता ही है, वो छोटा कचरा के लिए इसमें प्रॉब्लम आया है।